गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गेम में नया क्लैश कोड का सीजन आ चुका है। अब नया क्लैश कोड का सीजन आया है तो जाहिर सी बात है क्लैश कोड खेलने में मजा ही बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि प्लेयर काफी हार्ड हार्ड आते हैं ना, तो भाई प्लेयर को मारने में मजा भी बहुत ज्यादा आता है। और फिर यही एक टाइम होता है जो बूजा करने में सबसे ज्यादा मजा देता है। ऐसे ही हमने पिछले वीडियो में बात की कि आप कैसे ग्रैंड मास्टर पहुंच सकते हो जल्द से जल्द, और उस वीडियो में काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई आप प्लीज कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बनाओ। हाँ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कॉम्बिनेशन कौन सा यूज कर रहे हो कैरेक्टर्स का, क्योंकि भाई एक कैंपर हो आप क्लैश कोड में, ऊपर में छत में बैठ के मारते हो, लेकिन आपने कॉम्बिनेशन लिया रशर्स का, तो भाई कैसे गेम खेलोगे आप? तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ कैरेक्टर्स के, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। अगर आप इन कॉम्बिनेशंस को यूज करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको गेम प्ले बहुत अच्छा खासा इंप्रूव भी हो जाएगा। अब वो कैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। हमने रशर्स के लिए भी कुछ कॉम्बिनेशन ढूंढ के लाए हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिससे आप रशर हो या फिर कैंपर, अगर आप दोनों एक टाइम टाइम पे करते हो तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन भी बेस्ट होने वाला है। पहले शुरुआत करते हैं कैंपर से। बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर कैंपर नंबर 3। देखो, अगर आप कैंपर हो तो डरने की बात नहीं है और फिर कोई शर्माने की बात भी नहीं है। गेम में कैंप करना भाई एक रूल होता है, और आपके टीम में एक कैंपर तो होना ही होना चाहिए, जैसे कि हमारे स्क्वाड में कैंपर होता है। पहला कॉम्बिनेशन है उस कैंपर के लिए, वो है डिमिट्री प्लस थीवा प्लस सोनिया प्लस मैगजीन। अब ये सोनिया वही कैरेक्टर है जो कि आज से एक दिन पहले हमारे गेम में आई है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसे डिमिट्री प्लस थीवा बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, वैसे डिमिट्री प्लस सोनिया भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा आपके लिए सेल्फ रिवाइव के लिए। यहाँ पे क्लियरली आप एक एग्जांपल देख सकते हो, मेरी सोनिया की एबिलिटी ऑन होने के बाद मैं डिमिट्री को लगा रहा हूँ। एज यूजुअल आई सेड कि आप कैंपर हो तो छुप छुप के फाइट करोगे, तो आपके लिए ये कॉम्बो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आप सोनिया की एबिलिटी यूज कर रहे हो तो मैं आपको एक और प्रो टेक्निक बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखो, मैं आखिरी बंदा बचा हूँ और मेरे एनिमी भी आखिरी बचा है, और यहाँ पे देखो मैंने एनिमी को पूरा मार दिया, उसकी सोनिया की एबिलिटी ऑन हो गई, तो मैं उससे फाइट नहीं करूंगा बल्कि यहाँ पे छुप जाऊंगा। 3 सेकंड की तो बात है, 3 सेकंड बाद तो खुद को खुद मर जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सोनिया की एबिलिटी ऑन होती है एनिमी की, तो भाई उसे मारने भिड़ जाते। अरे भाई एक काम करो ना, छुप जाओ थोड़ी देर के लिए, ऑटोमेटिकली मर जाएगा वो। और इस कॉम्बिनेशन बात रही थीवा और मैगजीन की, तो थीवा आपके टीममेट्स को उठाने के लिए रहेगा और मैगजीन जल्दी मेडिकेट यूज करने के लिए रहेगा। अब बढ़ते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन फॉर कैंपर की तरफ, और इस कॉम्बिनेशन में हम यूज करने वाले A124 लियोन प्लस थीवा प्लस रफेल। इसको आप किस तरीके से यूज करने वाले हो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। A124 की एबिलिटी तो आपको पता ही है, स्किल ब्लॉक कर देता है प्लस 25 का डैमेज भी देता है। काफी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कैंपिंग के टाइम सामने वाले बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं, लेकिन वो ग्लू लगा लेता है और उसकी एचपी सिर्फ 10-15 बची होती है, तो उस टाइम पे अगर आप A124 की एबिलिटी से फेंक के मारोगे तो 25 का डैमेज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस उसकी स्किल ब्लॉक भी हो जाएगी। कैंपिंग के टाइम भी अगर रफेल की एबिलिटी यूज करते हो तो रफेल की एबिलिटी आप बहुत ज्यादा काम आने वाली है। स्नाइपर और मार्क्समैन गन में भाई ये साइलेंसर लगा देते हैं इनबिल्ट, और किसी को डाउन करते हो तो डाउन होने के बाद 4-5 सेकंड अपने आप पूरा फिनिश हो जाता है। पूरे फ्री फायर गेम में पर्सनली फेवरेट कैरेक्टर आता है वो है लियोन, क्योंकि लियोन की एबिलिटी ये है कि थोड़ा सा भी अगर आपको डैमेज पड़ता है तो वो आप लोगों को तुरंत हील कर देता है। ओवरऑल ये हील करता है 60 HP के आसपास। फिर लास्टली वही आता है थीवा आपके टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए। अब बढ़ते हैं लास्ट वाले कैंपर कॉम्बिनेशन की तरफ, और इस कॉम्बिनेशन को मेरे पर्सनल स्क्वाड में एक बंदा यूज करता है, वो है क्लू प्लस केली प्लस थीवा प्लस वुल्फ्रा। देखो क्लू की एबिलिटी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपके स्क्वाड में एक बंदे को क्लू यूज करना ही चाहिए, वो सारे बंदों की भाई लोकेशन को ही रिवील कर देता है। और वुल्फ्रा का काम भी एक नंबर है यार, जब भी आप किसी बंदों को मारोगे तो वो एक्सपेक्टेड ऐड करेगा और एक्सपेक्टेड हटेगा नहीं। और जब आप सामने वाले बंदों को हेडशॉट मारोगे 10% ज्यादा हेडशॉट लगेगा, और वही सामने वाला बंदा आपको हेडशॉट मारेगा तो वो हेडशॉट आपको 10% कम लगेगा। तो पहले राउंड में जो एम्पासो की फाइट होती है ना, उस टाइम वुल्फ्रा बहुत ज्यादा काम आता है। एंड फिर वही केली थी जो कि नॉर्मली यूज करना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। अब बढ़ते हैं रशर्स के कॉम्बिनेशन की तरफ, कॉम्बिनेशन नंबर 3। हमारे स्क्वाड में एक रशर है जो कि इस कॉम्बिनेशन को यूज करता है, एंड उसका रश मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। वो यूज करता है तत्सुआ प्लस मोको प्लस केली प्लस मैगजीन। अब ये सब वो क्यों यूज करता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तत्सुआ इसलिए यूज करता है ताकि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहुत जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि तत्सुआ की तो एबिलिटी है बहुत फास्ट भागने की। और ज्यादातर तत्सुआ का काम तब आता है जब हम किसी बंदे को डैमेज देते हैं और वो हील कर रहा होता है, उस टाइम तत्सुआ बहुत ज्यादा फास्ट भागने का काम आता है। और मोको ये इसलिए यूज करता है क्योंकि डैमेज देने के बाद कई बार ऐसा होता है कि बंदा भागता है, तो हमें पता चलते रहता है कि भाई मोको की मदद से वो बंदा भाग कर रहा है, और भाई अपने पास वो तत्सुआ भी है तो जल्दी भाग के हम उस बंदे को डॉज करके मार भी सकते हैं। केली इसलिए यूज करते ताकि उसकी स्प्रिंटिंग स्पीड बढ़ जाए, और जाहिर सी बात है रशर है भाई, डैमेज तो लगेगा ही, तो जल्दी हील करने के लिए मैगजीन का भी यूज कर लेता है। अगर आपके फोन में आपकी स्क्रीन में आपका हाथ बहुत अच्छे तरीके से जम चुका है तो उस टाइम पे आप तत्सुआ की एबिलिटी यूज कर सकते हो, या फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 की तरफ, और ये आता है वुकोंग सोनिया ओथो प्लस केली। भाई मेरे हिसाब से स्क्वाड वाइप करने के लिए कैरेक्टर की जरूरत है ना हमें, तो भाई वो वुकोंग ही है। और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि सोनिया का काम क्या है, सोनिया हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर हम दिमाग लगा रहे सोनिया की एबिलिटी को बहुत अलग तरीके से यूज भी कर सकते हैं। और केली का मैंने आपको बताया है, और आप लोग ऐसा मत सोचो कि भाई केली को हम यूज नहीं करेंगे, बिना केली के रश के टाइम आपका काम ही नहीं बनेगा। अब जो कैरेक्टर आता है जिसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है वो है ओथो। भाई आप एक रश खेलने वाले प्लेयर हो तो जाहिर से बात है एक को तो निपटा ही दोगे ना। जैसे ही आप एक बंदे को नॉक करोगे ओथो की मदद से, तो उस नॉक एनिमी के
20 मीटर के रेंज में जो जो बंदा होगा उसका मूवमेंट स्पीड 25% माइनस हो जाएगा। ओवरऑल 4 सेकंड के लिए जब मूवमेंट स्पीड माइनस होता है ना तो कैरेक्टर भाग ही नहीं पाता है हमारा, तो उस टाइम पे अपनी पूरी स्क्वाड है ना उसे रश करने का आदेश देना चाहिए, तभी भाई वो बंदे कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपकी टीम में कोई रशर है तो उसकी औकात इतनी तो होनी चाहिए कम से कम कि वहां जाके भाई एक बंदे को नॉक तो भी करे, वरना अगर नॉक नहीं करेगा तो कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते हैं फाइनली रशर कॉम्बिनेशन नंबर 1 की तरफ, और वो होता है ओरायन प्लस मिगवेल प्लस केजी प्लस लियोन। सर मुझे लगता नहीं है कि मुझे आप लोगों को इन कैरेक्टर्स के बारे में समझाने की जरूरत है। ओरायन भाई रश के लिए तो भाई एक नंबर है, लेकिन अगर आप रश कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको एक किल तो निकालना ही पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को क्रिम्सन एनर्जी मिली, और क्रिम्सन एनर्जी मिल जाएगी तो फिर भाई फिर से बार बार ओरायन बन के भाई उनको काफी ज्यादा डैमेज देते और काफी हद तक मार भी सकते हो। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपकी पूरी स्क्वाड आपके पीछे है और आपके पास ओरायन है तो सबसे पहले आपको रश करना चाहिए क्योंकि आपके पास ओरायन है। हमने बात कर ली कैंपर्स के ऊपर, हमने बात कर ली रशर्स के ऊपर, अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो कि टाइम आने पे कैंप भी करते हैं और टाइम आने पे रश भी करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सी हो सकती है। इस कॉम्बिनेशन को शुरू करते हैं नंबर 3 से, क्रोनो प्लस केली प्लस मैक्सिम प्लस लियोन। अब देखो मैं मानता हूं क्रोनो पहले की तरह यूज नहीं होता, लेकिन क्रोनो का जो काम है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनो की एबिलिटी की मदद से आप रश भी कर सकते हो, क्रोनो की एबिलिटी की मदद से आप कैंप भी कर सकते हो, ये दोनों जगह काम आ जाता है। या फिर आप इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिम को हटा के थीवा भी लगा सकते हो ताकि अगर कोई बंदा नॉक हो तो आप क्रोनो लगा के उसे आधे सेकंड में रिवाइव कर सको। अब बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 की तरफ, अब ये आता है के प्लस सोनिया प्लस मोको प्लस ओथो। मुझे ऐसा ही लगता है कि आप लोगों को इस कॉम्बिनेशन का मतलब समझाना पड़ेगा। अगर आप कैम्प कर रहे हो तो उस टाइम अगर आपको डैमेज पड़ जाता है तो उस टाइम आपको हीलिंग के से मिल जाएगी, और अगर आप कैम्प करें किसी बंदे को डाउन कर देते हो तो उस टाइम उसके टीममेट्स की जो मूवमेंट स्पीड काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे टाइम पे हमारे स्क्वाड में अगर कोई नेडर है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फाइनली बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 1 की तरफ, और मैं पर्सनली कहूँ तो ये हमारे स्क्वाड का सबसे सी वाला बंदा यूज करता है, लेकिन इसे कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, लेकिन इसे यूज करना ही नहीं आता। अरे भैया जी आखिर वो कॉम्बिनेशन है कौन सी, चलो मैं आपको बताता हूँ। A124 प्लस मैक्सिम प्लस सीवा प्लस अलवारो। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि A124 की एबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा काम आती है वैसे तो ये, आप इसे कैंपिंग के दौरान भी यूज कर सकते हो, या फिर आपको रश करना है तो उनकी स्किल को ब्लॉक करके आप रश कर सकते हो, और भाई आप यहाँ पे अलवारो का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इलाइट अलवारो है तो बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाला है। बस शर्त ये है कि आप लोग ग्रेनेड करना अच्छे से आना चाहिए, ग्रेनेड करना नहीं आता है तो इस कॉम्बिनेशन को स्किप कर देना, फिर आखिर में वही मैक्सिम प्लस सीवा घिसा पिटा हर कॉम्बिनेशन में तो आ ही जाते हैं। अगर मैं अपने कॉम्बिनेशन की बात करूं कि मैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज करता हूं, तो बेसिकली क्लैश स्क्वाड के टाइम मैं 3 अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन यूज करता हूं मेरे मूड के हिसाब से। पहला कॉम्बो होता है डिमिट्री के साथ, दूसरा कॉम्बो होता है ओरियन के साथ, और तीसरा कॉम्बिनेशन है तत्सुया के साथ। मैं आपको समझाता हूं कि मैं डिमिट्री के साथ क्यों और क्या यूज करता हूं। स्पेशल गाइस डिमिट्री के साथ मैं यूज करता हूं सोनिया लियोन प्लस केली का, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया सोनिया और डिमिट्री का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा मजेदार है अपने आपको सेल्फ रिवाइव करने के लिए। इस कॉम्बिनेशन को तब मैं यूज करता हूं जब मुझे ऐसा लगता है कि आज यार मेरा अच्छे से प्लस नहीं हो रहा है। उसके बाद सेकंड वाला कॉम्बिनेशन यूज करता हूं मैं ओरायन के साथ, जो कि है मिगवेल प्लस केली प्लस थीवा। ओरायन बनने के बाद ना आप रिवाइव कुछ इस तरीके से कर सकते हो थीवा के साथ, सामने वाला एनिमी आपको कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। और इस कॉम्बिनेशन को ज्यादातर तब मैं यूज करता हूं जब हमारा बहुत अच्छा खासा प्लस हो रहा होता है और हमारी स्टिक वगैरह बन जाती है। अब फाइनली जो मैं कॉम्बिनेशन यूज करता हूं तत्सुया के साथ, वो आता है तत्सुया प्लस केली प्लस लियोन प्लस थीवा। तत्सुया की एबिलिटी तो मैं फास्ट भागने के लिए यूज करता हूं क्योंकि एज यूजुअल मुझे रश खेलना है, लेकिन जब मुझे कोई डैमेज दे रहता है ना तो मुझे मेडकिट वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लियोन कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो मुझे अपने आप हील कर देती है। वैसे अगर आप लोगों को लगता है कि इन कॉम्बिनेशन को छोड़ के आपके पास कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे लिए या फिर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आप कमेंट करके बताओ। अगर कोई कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा मजेदार है तो मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स कॉम्बिनेशन को यूज भी कर पाए। आप लोग आज के कैसे लगा कमेंट में जरूर से बताना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो GW चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, तो अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज सर्च कर लेना GW_Manish। और आई होप कि आप हमारे चैनल पे जाके शॉर्ट सेक्शन में शॉर्ट्स तो देखते ही होंगे यूनिक वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।